गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि क्या इंटरमिटेंट उपवास रखने से या फास्ट रखने से क्या सच में आपका वजन कम होता है, क्या हमें रखना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, कब हमें खाना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ कि इंटरमिटेंट जो फास्ट होता है वो क्या सच में हमारा वजन कम कर सकता है क्या। इंटरमिटेंट जो फास्ट होता है वो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग इसका फास्ट रखते हैं, बहुत सारे उपवास रखते हैं। इसमें ये होता है कि आपको जैसे 16 घंटे उपवास रखना पड़ता है और 8 घंटे के अंतराल में आपको खाते रहना है। इसमें जैसे 8 घंटे खाना होता है, 16 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। ये ज़्यादातर लोग ये होता है कि अपनी जैसे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है, जैसे कि फैट लीवर वगैरह या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने लग जाते हैं तो उस टाइम आपको रखते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें बॉडी में बहुत सारे आपको फायदे हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो क्लीन हो जाती है, या फिर जो भी इसमें खराबियां वगैरह कुछ भी अगर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इससे निकल जाते हैं, जो आपका फैट वगैरह होता है वो इससे घट जाता है। तो इसमें हम क्या क्या खा सकते हैं और कब कब खाना चाहिए हमें और इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इंटरमिटेंट फास्ट रखते हैं तो इससे आपको बहुत सारे आपकी बॉडी में फ़ायदे मिलेंगे। जैसे आपका जो मेमोरी पावर होता है वो बढ़ता है, इससे आपका जो कॉन्सेंट्रेट करने का जो पावर होता है वो बढ़ता है, फोकस बढ़ता है आपका किसी भी काम में। अगर कोई काम करते हैं तो आप इंटरेस्ट लेके उसमें करते हैं, आपकी हर चीज़ जो बहुत बेहतर होती है। कोई भी काम करते हैं उसमें आपका मन लगता है, आप अच्छे से काम कर पाते हो। साथ साथ में आपके जैसे कि जो आपकी बॉडी में भी और बहुत सारे ऊपरी भी, अंदर से तो आपकी बॉडी अच्छी होती है, ऊपर से भी आपको फायदे होते हैं। जैसे आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके नेल्स अच्छे होते हैं, आपके हेयर्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी बॉडी अच्छी होती है। फिर और क्या चाहिए, जब हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छी हो जाती है, सारी चीजें, स्किन, हेयर, नेल्स वगैरह सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अगर किसी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो रहता है, यानी कि पचता नहीं है खाना, या फिर गैस, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको पेट संबंधी, तो वो भी उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट चलने लग जाता है अगर वो ये फास्टिंग करते हैं तो। डायबिटीज़ की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये इंटरमिटेंट जो फास्ट होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। उनके जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो उनकी बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि हमें डायबिटीज़ होती है तो हमारा ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ने लग जाता है। तो उससे भी बचने के लिए आप ये करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा, साथ में आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी आपके कंट्रोल में आएगी। तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, आप उनको करना चाहिए ये। अगर आपको आपकी बॉडी में थकान महसूस होती है, आलस आता है, तो इससे एनर्जी महसूस होगी अगर आप ये फास्टिंग करेंगे तो। क्योंकि इस फास्टिंग में क्या होता है कि जैसे कि हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें खाने से, तली भुनी चीज़ें खाने से, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाने से हमारे के जो बॉडी में होते हैं वो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, जिससे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बॉडी को क्लीन करने के लिए या फिर सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसमें क्या होता है, नेचुरल चीज़ें खानी होती है जो हमें प्रकृति ने दी है। जैसे कि क्या होता है, इसमें जो लिक्विड वगैरह, पानी वगैरह होता है, या फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो कम खाना, मतलब ज़्यादा खाना होता है, या फिर जो अनाज वगैरह या फिर तला भुना जो बाहर का खाना होता है, मसालेदार खाना होता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, इसमें बहुत कम खाते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। यह है वेट लूज के लिए कोई डाइट नहीं है, लेकिन जैसे कि इसमें जिस हिसाब से आप नियमानुसार खाएंगे और जो नेचुरल चीज़ें खाएंगे, जैसे कि आपको इसमें ज़्यादा जैसे जूस वगैरह ज़्यादा पीना है, जो पानी वो जैसे नारियल पानी वगैरह होते हैं वो ज़्यादा इसमें खाने हैं आपको, फ्रूट्स, सलाद वगैरह होते हैं वो ज़्यादा खाने हैं आपको अनाज को छोड़ के, तो इससे क्या होता है आपकी बॉडी भी क्लीन हो जाती है, आपको कोई कमी भी महसूस नहीं होती है कि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में कुछ कमी महसूस होगी। आप खाते हैं लेकिन एक कहते हैं जो नेचुरल चीज़ें होती है वो खाते हैं, इससे आपकी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी होती है वो क्लीन हो जाती है। इससे हमें कैसे लेना चाहिए इसको, तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे क्या होता है, आपको 3 टाइम आपको मील लेनी है। जैसे आपको ओनली 4, पहले ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है, फिर डिनर करना है। बीच में जो स्नैक्स वगैरह खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, आपको ओनली 4 3 टाइम फिक्स करना है, 3 टाइम खाना है आपको खाना।
आप इसमें ये होता है कि आप कैसे भी खा सकते हो, आपके ऊपर है, टाइम फिक्स कर लीजिए उस अनुसार आपको 3 लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर। फर्स्ट डे करेंगे आपको तो भूख लगेगी उसमें, तो आपको क्या करना है, जैसे कि जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले लीजिए, कि जैसे कि आप 3 टाइम का हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसको आपको 6 बार में खाना है। आप जैसे थोड़ा 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 करके खा लीजिए, क्योंकि आप अनाज वगैरह नहीं खाएंगे, जैसे फ्रूट्स वगैरह, या फिर ज़्यादा खाएंगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी उसमें, क्योंकि आदत हमारी अनाज खाने की है। तो इसमें आपको जैसे पहले दिन होता है वो आपको 6 बार में खाना है, मतलब 3 टाइम का खाना आपको 6 बार में खाना है थोड़ा थोड़ा। इसमें बीच में आपको स्नैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना, ओनली फॉर जो ये मील होती है वो ही लेनी है आपको बीच में। जैसे अपन कुछ भी खा लेते हैं उठा के, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। सेकेंड डे आपको क्या करना है कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर होता है वो ही लेना है, और ये 3 बार में ही खाना है। इसमें बीच में स्नैक्स वगैरह आप नारियल पानी वगैरह ज़रूर ले सकते हो, लेकिन स्नैक्स में इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओनली फॉर 3 टाइम की जो मील होती है वो ही लेनी। तीसरे दिन होता है ओनली फॉर आपको लंच और डिनर ही लेना है, आपको ब्रेकफास्ट को स्किप करना है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आप ले। इसमें आपको 16 घंटे उपवास रखना है, और 8 घंटे आपको इसमें, 8 घंटे के अंतराल में बीच में आपको खाना होता है इसमें। तो ये होती है आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिससे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी होती है जिनके लिए, जैसे कि जो बहुत सारे लोगों ने इसको करके भी देखा है तो बहुत फ़ायदा मिला है उनको, जो वेट लूज करना चाहते हैं या फिर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी सजेशन देते हैं आपको कि ये करना चाहिए आपको, ये कोई नुकसानदायक नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद ही रहती है आपकी बॉडी के लिए। जब आप फास्टिंग करते हो तो आपको जैसे कि लंच और डिनर लेना है, तो जैसे लंच आप 12 बजे खाएंगे और डिनर आपको 6 बजे लेना है, तो आप इसमें 8 घंटे का आपका अंतराल आ जाता है इसमें। तो आज का वीडियो था कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारा वेट लूज होता है। ऑफ कोर्स आपका वेट लूज होगा इससे, बल्कि आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम आप आलस वगैरह जो भी फेस करते थे, स्ट्रेस वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी इससे दूर हो जाएगी, बल्कि आपको अलग ही तरह की एनर्जी लेवल महसूस होगा आपको। तो ये था मेरा वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।